हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ टीचर मिश्रा। आज हम क्लास नाइन्थ के फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा लेसन का कंक्लूजन है। और इसमें हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जाना था कि जब आपके ये आपका कन्वेंशन असेंबली जब बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, जब वो खत्म होने लगी तो फिर जो वेल्जियन सोसाइटी थी, आपकी वेल्जियन सेक्शन था सोसाइटी का, उसने क्या किया, उसके पावर को कब्जे मिलने लगे। अब वो एम्पावर्ड होने लगे। उनके एम्पावर्ड होते ही उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को दो सेक्शन में बांट दिया था। मतलब एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव पार्ट था असेंबली थी आपकी, और एक एग्जीक्यूटिव में आपके डायरेक्टरी हुआ करते थे। इन दोनों में ही तालमेल ना होने की वजह से जो है कई सालों तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। अब इस इनस्टेबिलिटी को का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो 1804 में जो है वो अपने आप को एम्परर घोषित कर देते हैं। और एम्परर घोषित होते ही इन्होंने क्या किया, सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ये वहां पे जाके हमला करते थे और फिर वहां के राजा के स्थान पे अपने किसी रिलेटिव को राजा बना के अपना इस प्रकार से साम्राज्य को जो है वो विकसित कर रहे थे। ठीक है, अब इन्हें जो है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया। और क्यों कहा गया मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, इसलिए इनको कहा गया कि मतलब लोगों का यह मानना था कि ये यूरोप को एक नए स्वरूप में, नए ढांचे में ढाल रहे हैं। और इन्हें ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे कुछ विभिन्न अलग अलग प्रकार के लॉज बनाए थे जिसका फायदा जो है यूरोपियन सोसाइटी को हो रहा था। उनमें से कुछ लॉज जो है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, इसका जो है सबसे ज्यादा समर्थन जो है आपके रिच पीपल्स दे रहे थे। क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो छीन के अब कोई दूसरों को नहीं बांटेगा, पीजर्स को वगैरह को नहीं बांटा जाएगा। और नेपोलियन का भी यह मानना था कि अगर हमें अपने कंट्री को और मतलब और ऊंचाई पे ले जाना है, उसे और विकसित करना है, तो ये बांटने और छीनने का काम करने नहीं है, बल्कि इसकी जगह हमारे व्यवसाय, हमारे ट्रेड को जो है और विकसित करना होगा। इसलिए उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट किया। सेकेंड वन, इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इन्होंने वेट और मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम को जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम को, एक मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है को इन्वेंट किया। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि आदमी अगर कुछ भी सामान खरीदने गया है तो वो किसी भी चीज का वेट बना देता था और उसी वेट के अकॉर्डिंग जो है सामान देता था। इससे क्या होता था, खरीदने वाले को भी नुकसान और बेचने वाले को भी नुकसान। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, वेट जो है एक पर्टिकुलर वेट होगा और वही वेट हर जगह पे सेम, हर जगह जो है लागू किया जाएगा, ताकि ना खरीदने वाले को नुकसान हो और ना बेचने वाले को नुकसान हो। डेसिमल सिस्टम का भी शुरुआत उन्होंने की। डेसिमल सिस्टम इसलिए कि पहले के टाइम में क्या होता, सामान को बेचने में छोटे छोटे चीजें जो लोग छोड़ देते थे उससे काफी नुकसान होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर हम जो है 5 रुपीज और 50 पैसे में बेच रहे, मतलब इसकी कीमत है। अब लोग पहले 5 रुपीज में बेच रहे थे क्योंकि 50-50 सिस्टम का तो सिस्टम ही नहीं था। अब इसका क्या हुआ कि अब ये जो है 5 रुपए में बेच रहे हैं, पचास 10 हमने मार्कर बेच दिया तो उसमें हमें 5 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अब जब से ये डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ तो ये 5 रुपए जो 50 पैसे जुड़ रहे थे वो भी, उसको भी काउंट होने लगा और लोग जो है उसका भी मुनाफा कमाने लगे। तो इस ये तो सारे उसकी लॉस थे। अब आप कहेंगे ये लॉस तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बाद भी बोनापार्ट जो है वो लोगों के लिए जो है इंस्पायरेबल नहीं हो रहा था। इसका भी एक कारण था क्योंकि लोग जो है भले देख रहे थे कि इन कानूनों की वजह से उनका समाज जो है वो विकसित हो रहा है, लेकिन नेपोलियन जो है उनके ऊपर वर्चस्व बना रहा था, उनको अपना गुलाम बनाता जा रहा था, इसलिए लोग उसके खिलाफ थे। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो जो है वो पराजित हुआ। और उसके बाद जो है पराजित होने के बावजूद उसके जो लॉस थे, उसकी जो बातें थी, उसे जो है समाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, उसका प्रभाव जो है पूरी तरह से था समाज पे। और लोगों ने ये माना कि भले ही नेपोलियन आज जा चुका है, लेकिन उसकी अगर हम अपने कंट्री को चाहते हैं कि वो विकसित हो, तो ये जरूरी है कि नेपोलियन के थॉट्स को, उसके लॉस को हम कंटिन्यू करते चलें। अब ये तो हमारा हुआ लेसन जो कंक्लूजन के तौर पर खत्म हो रहा है, लेकिन लास्ट में तो पॉइंट है आपका कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, तो दैट विल द आंसर विल बी द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट। मतलब आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव था, क्या नतीजा निकल के आया है, तो तब उसकी वजह से लोग जो है लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में अपने जान पाए हैं। और आपके बुक के लास्ट में जो है दो इंडियन आपके रेवोल्यूशनरीज का नाम आया है, जिसमें यह बताया गया कि ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस की इस क्रांति के की जो आइडियाज थे उसको सपोर्ट किया है। और वो कौन थे आपके, राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दो इंडियन कौन से थे, वो है आपके टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन जो है वो खत्म होता है। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।